अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूं डॉक्टर्स हेल्थ टॉक शो पे। मेरा नाम डॉक्टर फरहान ताहिर है। आई एम जॉइनिंग यू फ्रॉम फिलाडेल्फिया। टुडे मेरे साथ तीन फिजिशियंस ज्वाइन कर रहे हैं, दो डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम द प्रिंस फैसल कैंसर सेंटर बुरैदा, सऊदी अरेबिया से। डॉक्टर मोहम्मद अजफर जो हीमाटोलॉजिस्ट ऑनकोलॉजिस्ट हैं, मेरे क्लास फेलो हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के। एंड डॉक्टर शाद जो उनके कॉलीग हैं हीमाटोलॉजिस्ट हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है ड्यूरिंग दिस कोविड-19 और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हमसे डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ मेरी क्लास फेलो डॉक्टर सहर खलीक जो हीमाटोलॉजिस्ट हैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में, वो भी ज्वाइन कर रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल को ज्वाइन करने का। डॉक्टर अजफर, आपने रिसेंटली हमारे साथ कॉन्वर्सेशन की है। डॉक्टर सहर, आपने कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा के ऊपर और कोरोना वायरस के अंदर उसकी क्या यूटिलिटी हो सकती है, और ये कॉल आपकी जो टॉक है बहुत वेल रिसीव्ड, लोगों को बहुत उससे फ़ायदा हुआ है। सो अब हमारी जो सेकंड टॉक है, हम वो ये चाहते हैं कि हम डिस्कस कर सकें कि अगर हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो चुका है तो उनकी बिफोर दे बिकम सो सिक कि दे गो इनटू आईसीयू, उसको डॉक्टर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये इवॉल्विंग ट्रीटमेंट है, चेंजिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन अब मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमें ब्रिंग कर रहे हैं ये expert panels आप लोग। So thank you for coming, giving your precious time in this time of crisis। हमारे पाकिस्तान की आवाम को इस information की, बहुत reliable information की ज़रूरत है। So thank you very much। Dr. Azfar, I will request you कि आप question answers शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you फरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा introduction करवाया। मुझे इस हेल्थ शो की वसासत से काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर शाद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि डॉक्टर शाद इज़ ए कंसल्टेंट फिजिशियन इन किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रियाद। और किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इज़ ए कंसिस्टेंटली नंबर वन हॉस्पिटल ऑफ मिडल ईस्ट फॉर लास्ट लाइक 10-15 ईयर्स। So there is no match for King Faisal Specialist Hospital, and ये principal investigator है for lot of COVID-19 trials जो कि कंडक्ट हो रहे हैं किंग फैसल में, अराउंड सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, फ्रांस, और ये उसके एक सेंट्रल पार्ट हैं उन सारे ट्रायल्स के। तो ये हमें अंदर की बात बताएंगे कि आज के कोविड-19 में हम पेशेंट्स की किस तरह मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर शाद से के पास पूरा एक प्रोटोकॉल है। और इस टॉक में मैं एक और चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि आज ये कोविड एक इवॉल्विंग थेरेपी है। ये हमारी ये टॉक है, ये रेलेवेंट है 21 ऑफ जून 2020 तक। इसके बाद हो सकता है अगले हफ्ते कोई नया ट्रायल आ जाए जो कि बिल्कुल चेंज हो जाए ट्रीटमेंट, लेकिन ये अभी तक जो स्केलेटन है वो चेंज नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह हमारी तफसील से डॉक्टर शाद से बात होती है। डॉक्टर शाद, आप ये बताइए कि जो ये रिसर्च प्रोटोकॉल है किंग फैसल का जो कि बड़ा इम्प्लीमेंट हुआ है मिडल ईस्ट में, तो इसमें कोविड की कितनी स्टेजेस हैं और आप किस तरह उनको आइडेंटिफाई करते हैं, आप बताएँ ज़रा। मैं बताता हूँ कि ए बी सी डी पे वो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, काइंडली इसको जरा एलैबोरेट करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजफर, थैंक यू वेरी मच टू टेक मी एज ए वन ऑफ द पैनलिस्ट। मैं इसमें ये कहूँगा कि जो हमारे आम आवाम के लिए, और जो हमने जो अपने हॉस्पिटल में जो एक उसको डिवाइड किया है, ये चार कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी तो है एसिम्प्टोमेटिक, इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें कोविड ये पॉजिटिव पेशेंट है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है पेशेंट, उसमें कोई अलामत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उसमें, उसमें कोई ना उसको माइल्ड सोर थ्रोट है, ना कोई इसको फीवर है, ना कुछ है। तो ये अलामत से बिल्कुल मुबर्रा है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। अब इसके अगर मैं मैनेजमेंट भी साथ बात कर लूँ, अगर आप कहें कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि और कुछ भी नहीं करना है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होम आइसोलेशन विद गुड हाइड्रेशन, ये इसका एक की है कि वो अच्छी तरह अब पानी वानी ज़्यादा पिएं, और जो वाइटामिन सी, वाइटामिन डी और तमाम जो मल्टी वाइटामिन हैं वो सारी चीज़ करें, और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ओनली एंड ओनली होम आइसोलेशन इज़ द की। तो अब अगला जो स्टेप है, जब एसिम्टोमेटिक के बाद जो हमारा दूसरा है वो हल्के दर्जे के अलामत, यानी उसको माइल्ड सिम्टम्स हम बोल सकते हैं। तो उसमें अब पेशेंट को टेम्परेचर आना शुरू हो गया है। कहाँ तक टेम्परेचर जाएगा? बिटवीन 99 टू 100, 100.5 तक जा सकते हैं, जिसको दिया गया है प्रोटोकॉल में। माइल्ड सोर थ्रोट होता है उसमें, और माइल्ड कफ है। अब कफ की नेचर ये है कि बहुत सारे लोगों को पहले से कहीं कफ तो बहुत हो रहे, 3 महीने से हो रहे, लिसनोप्रिल ले रहे हैं। तो इट इज चेंज इन द इंटेंसिटी और नेचर ऑफ कफ, और बॉडी एक है या उसको हेडेक है, डायरिया है, स्टिफ नोज है विथ लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। समटाइम्स इट इज द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। और वन ऑफ दी एक सिम्टम्स जो हमने उसको हल्के दर्जे के अलामत में रखा है वो लिथार्जिक एंड फटीक, मतलब पेशेंट कह रहे हैं मेरे उठने का दिल नहीं चाहता है, बिल्कुल मैं पड़ा हूँ बिस्तर पे, तो उसको भी हमने माइल्ड इन्फेक्शन में रखा है। यहाँ पे ये बात बताते चलूँ कि अगर तमाम सिम्टम्स हैं लेकिन उसको फीवर नहीं है तो इसको हमने मिनिमल माइल्ड में, तो माइल्ड से ही पहले रखा है कि उसको ठीक है मिनिमल, बट वी हैव टू स्टार्ट द सम ट्रीटमेंट। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट क्या है? जी जी डॉक्टर, के जो आपने माइल्ड के बारे में बताया, अब जरा काइंडली बता दीजिए कि इसमें पेशेंट ने क्या करना है, मतलब अगर किसी को माइल्ड सिम्पटम्स हो जाते हैं। जी, सबसे पहले तो वही बात है कि जो माइल्ड के लिए जो मैंने बताया था, एसिम्प्टोमेटिक जैसे पेशेंट है उसको होम आइसोलेशन पे जाना है, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेना है। हाई कैलोरिक इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा हाई कैलोरी वाली चीज़ें लें, वो अंडे लें, यखनी लें या जो भी है, जूस ज़्यादा लिए, और हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। इसके अलावा वाइटामिन सी, वाइटामिन जी जो पहले बता दी गई थी वो लेना है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेशेंट को पैरासिटामोल जरूर देनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ फीवर, मतलब उसको 6 से 8 घंटे पर पैरासिटामोल देना है, और आइदर एजिथ्रोमाइसिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन किसी एक के साथ है। वो अपने इसमें कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं कि उसको एजिथ्रोमाइसिन ही देनी है या इसको कोई मॉक्सीफ्लॉक्सासिन देने हैं, ये डॉक्टर्स की अपनी चॉइस पर है और पेशेंट के थोड़े से साइन सिम्टम्स हैं। तो ये वाली बात है। उसके साथ हम ये जरूर कहेंगे मैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए कि आप जरूर QTC इंटरवल देख रहे हैं, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात है, इफ पेशेंट फील्स बेटर सो देन ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 5 दिन के लिए दी गई है या एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन के लिए दी गई है तो बस पैरासिटामोल पे ही रखना है, तो ये और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर परसिस्टेंट फीवर है और CRP इंक्रीजिंग है तो वो मॉडरेट सिम्टम्स पे आ जाएगा। मैं आपको अभी बताऊं कि वो हमारी कैटेगरी C है। डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये माइल्ड सिम्टम्स जब होते हैं तो क्या वो पेशेंट टेस्ट करवा लें ताकि हम उनका बेसलाइन कोई आ जाए? आपको एडवाइस करते हैं कोई टेस्ट माइल्ड सिम्टम्स? जी 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 जी, माइल्ड सिम्टम्स में बिल्कुल हाँ, वो लैब टेस्ट एक बेसलाइन जरूर होना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो पेशेंट अपना ब्लड का टेस्ट, जो उसको पाकिस्तान में CP बोलते हैं, यहाँ CBC विद डिफरेंशियल CBCD बोलते हैं, और LFT या हेपेटिक प्रोफाइल जिसमें एल्ब्यूमिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो यूरिया, क्रिएटिनिन या रीनल प्रोफाइल इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, ताकि पोटेशियम मैग्नीशियम हमारे पास क्लियर हो कि भाई अगर इसको एजिथ्रोमाइसिन देना है तो हमारे पास क्लियर पोटेशियम और मैग्नीशियम के लेवल हो, और बोन प्रोफाइल के जिसमें विटामिन D लेवल और कैल्शियम लेवल ये होना चाहिए। अच्छा, फिर कोगुलेशन प्रोफाइल जिसमें D डाइमर का लेवल पता होना चाहिए, जैसे PT PTT के साथ D डाइमर, और CRP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मार्कर, और प्रोकैल्सिटोनिन ये ऑप्शनल है, नो इट इज इंक्लूडेड इन द अवर गाइडलाइन के बिकॉज वी डोंट नो कि सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए प्रोकैल्सिटोनिन होना चाहिए। एंड इमेज में अगर हम बात करें तो चेस्ट एक्सरे होना चाहिए, CT अगर इफ फैसिलिटी अवेलेबल बिकॉज वी कैन नॉट डू द इन्फेक्शन ऑफ द पेशेंट फॉर द बिकॉज ऑफ द कोविड टू अदर पेशेंट, तो लेकिन अगर CT अवेलेबल है तो होना चाहिए, अदरवाइज चेस्ट एक्सरे इज ओके। माइल्ड में चेस्ट एक्सरे इज मोर देन एनफ। CT के बारे में हम ये दोबारा बताना चाहते हैं कि CT यो नेसेसरी इस वजह से नहीं है कि अगर आपके पास सेपरेट CT नहीं है तो आप बाकी जो नॉर्मल CT है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं जो कि COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट है, इस वजह से। लेकिन अगर आपके पास सेपरेट CT है फॉर COVID-19 तो वी इनकरेज दैट, लेकिन अगर नहीं है तो वी डोंट इनकरेज दैट, ताकि वो इन्फेक्ट ना हो जो आपका नॉर्मल CT बाकी पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम, हाँ फरमाइए जी, डॉक्टर असफर। यस वह आपने ट्रीटमेंट में वो एंटीवायरल का कोई देना है? इसको असल में एंटीवायरल को मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ, हम एज ए ट्रायल, लेकिन मैं बताता चलूँ कि जो भी एंटीवायरल जिस ट्रायल में चल रही है, जैसे आजकल इट इज वन ऑफ दी वेरी गुड ट्रायल के फेविप्रेविर चल रही है, रोटापेविर, नोरोपेविर और रेमडेसिविर, ये सारी के सारी, लेकिन माइल्ड मॉडरेट सीवियर में फेविपिराविर इज द नॉर्मल ट्रायल, वो हमें दे नहीं, हम उसको नहीं टच करेंगे क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं, तो उसके साथ ये बाकी तमाम चीजें जो चलेंगी। सिर्फ ये बात है कि माइल्ड में एक अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने उसको बोलता है कि किसी दूसरे को बताना चाहता है कि हम क्या करें और पेशेंट इन पेशेंट नहीं है, तो ये बाकी चीजें चलेंगी, लेकिन ट्रायल तो हमेशा इन पेशेंट होगा। अगर पेशेंट एडमिट होता है तो उसको ट्रायल दी जाएंगी उसको आफ्टर द कंसेंट। अच्छा, लेकिन आप ये एडवाइस करेंगे कि माइल्ड सिम्टम्स वालों को ये एंटीवायरल दी जाए कि नहीं दी जाए? जी, अब बिल्कुल, हाँ, ये इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वी हैव टू गिव इट। ये इसमें तीन ट्रायल वो पेशेंट को बताई जाती कि ये है, तो पेशेंट वो खुद ही डिसाइड कर, उसकी बताई भी जाती इसके ये, तो वो वन ऑफ द ट्रायल जो हम माइल्ड में भी देंगे वो फेविपिराविर बिल्कुल देंगे। ये है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि मॉडरेट या दरमियानी दर्जे की अलामात। अब दरमियानी दर्जे की अलामात, एक हम माइल्ड से अगर मॉडरेट की तरफ चलें तो इसमें एक बात वेरी इंपॉर्टेंट कि माइल्ड है लेकिन परसिस्टेंट फीवर है आफ्टर 5 days ऑफ मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन, देन वी विल कैटेगराइज एज ए मॉडरेट। लेकिन मॉडरेट का पेशेंट ऑल ऑफ ए सडन केम टू यू कि भाई आपके पास आया और कहता है मुझे फीवर हो गया 101, तो ये मॉडरेट है। तो टेम्परेचर जो है मोर देन 100 to 101.5, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ मॉडरेट इन्फेक्शन या दरमियानी दर्जे के अलामात। इसके अलावा दूसरा क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस पेशेंट को लग रहा है कि उसकी सांस फूल रही है और थोड़ा सा चलता है, इवन के बोलने पर भी सांस फूल रही, तो ये, और डॉक्टर से पूछेगा कि आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, डेफिनेटली पेशेंट को नहीं पता ऑक्सीजन सेचुरेशन है। तो आजकल बड़े अच्छी डिवाइस है सैमसंग में, ये दूसरे स्मार्टफोन में, वो आराम से हर कोई इवन बता सकता है कि उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है। अगर पेशेंट वो अपने घर में है और बता नहीं सकता, उसे कहेंगे कि भाई बताओ तुम अपना रेस्पिरेटरी रेट चेक कर सकते हो, इस तरह रेस्पिरेटरी रेट चेक करो और बताओ कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। लेकिन डेफिनेशन ऑफ मॉडरेट ये है कि पेशेंट विथ हाइपोक्सिया विथ ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 93% एट रेस्ट, ये एक डेफिनेशन हो गई ये मॉडरेट की। अनदर डेफिनेशन क्या है, चेस्ट इनफिल्ट्रेशन इफ 30% और मोर बट लेस देन 50%। सो इफ द चेस्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ 30% और मोर but less than 50%, it is one of the criteria of the moderate, or single lobe pneumonia, single lobe consolidation, so yeah, it is one of the criteria of the moderate symptom, not requiring ICU admission. अब एक नया क्राइटेरिया आज इंक्लूड या कल इंक्लूड हुआ है, which is extensive vomiting with dizziness, ये moderate में हो गया। अच्छा, moderate की अब हम कहेंगे कि क्या इसकी इलाज है। जो हमने पहले बात की थी कि लैब टेस्ट तो वही हो गया, आपके पास बेस लाइन है, लेकिन पेशेंट इज प्रोग्रेसिंग, तो उसके और उसका CRP बढ़ रहा है। अब हम अगले के लिए सिर्फ CRP और जरूरत नहीं है, सिर्फ वो करा के देखेंगे, CBC, CRP, LDH, जस्ट टू सी के इसका अगर ये डबल हो रहा है विद 24 to 48 आवर्स, तो इट इज अ मॉडरेट क्राइटेरिया। तो अब इसकी मैनेजमेंट में अगर हम कहें तो उसकी सेम है जो ऊपर की है 1, 2, 3, 4, यानी होम आइसोलेशन, हाइड्रेशन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, फॉलिक एसिड और गुड हाइड्रेशन। तो और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, आजकल ये ट्रायल्स हो रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ भी, अब शुरू होने वाला है, और ऑस्ट्रेलियन FDA ने इसको अप्रूव किया हुआ है, और बांग्लादेश में, थाईलैंड में और फ्रांस में ये ट्रायल है। ये है आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लेकिन इसके रिजल्ट आने बाकी हैं। और वट एवर सो फार वी हैव हैड इंफॉर्मेशन, इट इज प्रीलिमिनरी रिजल्ट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, लेकिन लेट द कि अब ये ट्रायल के रिजल्ट आ जाएं विद इन 1 month, तो हम आपको बता सकते हैं कि, लेकिन ये एवॉल्विंग थेरेपी है और बहुत अच्छी थेरेपी है। आइवरमेक्टिन, देयर इज नो साइड इफेक्ट, आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, यहाँ पे तो ये एक बात हो गई। अच्छा, ये है मॉडरेट के लिए, हमने डॉक्सीसाइक्लिन ऐड की, आइवरमेक्टिन ऐड की और डॉक्सीसाइक्लिन बताते चलूं कि ये इट इज एक्ट एज एंटी इंफ्लेमेटरी, इट रिड्यूस इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है। तो ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं विद आइवरमेक्टिन। अच्छा, इसमें अब पेशेंट आगे कोई भी पेशेंट है इररेस्पेक्टिव ऑफ के ओल्ड एज है या एंड मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड, वी विल ऐड एस्प्रीन। एस्प्रीन 81 मिलीग्राम जो यूएस वगैरह में आती है और पाकिस्तान में 100 मिलीग्राम की आती है, या तो उसको ज़रूर ऐड करेंगे। और पेशेंट के साथ एक चीज़ ऐड करनी है, अगर पेशेंट इसका डी डाइमर है मोर देन 0.5 देन वी विल ऐड एनॉक्सप्रिन एज ए प्रोफिलैक्टिक डोज। अगर किसी को नहीं पता है, एक सिंपल एवरेज पेशेंट है और प्रोफिलैक्टिक डोज समटाइम्स ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि भाई 1 mg/kg क्यों डेली देंगे, क्या देंगे सबक्यूटेनियस, देन वी विल गिव 40 mg सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है, अब हार्म नहीं होगा। लेकिन पेशेंट ओबीस है देन वी विल गिव 60 mg, ठीक है, और समटाइम्स 1.5 mg/kg। तो लेकिन यहाँ जो हमारी हैं 60 mg इसको देती हैं। लेकिन वही पेशेंट है और अगर उसका डी टाइमर है इज मोर देन 0.75 टुडे द डी टाइमर दे विल इंक्रीज द लेवल 1 μg देन वी विल गिव द थेरेप्यूटिक डोज। जब हम इसको थेरेप्यूटिक डोज पे देंगे देन वी विल होल्ड द एस्प्रिन। तो ये इंपॉर्टेंट थेरेपियों के बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मॉडरेट सिम्टम्स या दरमियानी दर्जे के जो अलामात हैं उसमें हमने पेशेंट को बताना है क्या क्या चीज़, कि आप एक जो इन्हेलर होते हैं वेंटोलिन इन्हेलर या कुछ भी एल्ब्यूट्रॉल बोलते हैं ये यूएस में, पाकिस्तान में वेंटोलिन इन्हेलर, वो रखनी है। उसको टाइम टू टाइम 4 to 6 आवरली जब भी ज़रूरत है उसको लेना है। उसके अलावा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, हर जगह इवन हॉस्पिटल में भी नहीं होता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए एक डिवाइस होता है और इसको पेशेंट को बताया जाता है देखो पहले अपना सांस तुम बाहर निकालो, फिर मैक्सिमम इनहेल कर सको और एक्सहेल। तो पेशेंट देखता है कि उसका वॉल्यूम कितना जाता है, टाइडल वॉल्यूम, तो उसके लिहाज से पता चल जाता है। अगर किसी के पास नहीं है तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों के लिए उसकी एक्सरसाइज है, नहीं तो वो गुब्बारा फैला ले अगर पाकिस्तान में है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। थर्ड थिंग जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल हर गाइडलाइन में कि पेशेंट को प्रोन, पेशेंट औंधा लेट जाए, पेट के बल लेट जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो लंग सरफेस इज द पोस्टीरियर सरफेस, यस, एंड द ऑक्सीजन सेचुरेशन इज मच मच बेटर व्हाइल द पेशेंट इज लाइंग ऑन इन प्रोन पोजिशन। अगर वो औंधा लेट जाता है और कहा जाता है कि अगर मॉडरेट है और इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम है तो 16 आवर्स अ डे वो ये कर सकता है और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और अब बताया जाता है हर पेशेंट को भी। तो ये बात है। अब यहाँ पर सॉरी जी जी डॉक्टर सर, ये मॉडरेट तक तो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं ताकि जी जी तो इसमें थोड़ा सिम्टोमेटिक भी जो हम ट्रीटमेंट दें वो भी शामिल होगी, भी माइल्ड सिम्टम वाली ट्रीटमेंट भी शामिल होगी। जो इसमें एडिशनल चीज है वो आपने एनॉक्सिप्रिन ऐड की है, एंटीवायरस वो भी मॉडरेट सिम्टम से ऐड हुए हुए हैं, और आपने ब्लड टेस्ट के बेसिस पे एस्प्रिन जो है ना वो आपने डिसाइड करना है कि वो बात करनी है एनॉक्सिप्रिन के साथ, अगर एनॉक्सिप्रिन को आप थेरेप्यूटिक डोज में देंगे। अच्छा, इसमें जो मैं पूछना चाह रहा था कि कोवेलेसेंट प्लाज्मा अभी तक हमने नहीं दिया, तो कोवेलेसेंट प्लाज्मा आप इस वक्त देंगे कि नेक्स्ट स्टेज पे देंगे? हाँ, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम जब इसके सारे जो अलामात आ गई हैं, अब हमने एस्प्रिन भी दे दिया, एनॉक्सप्रिन भी दे दिया है, तो देन वी विल सी द CRP और LDH, दैट्स इट। कोई और टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि उसका CRP, अगर CRP इसका 24 आवर्स में डबल हो रहा है और LDH इज मोर देन 500, तो दिस इज द टाइम। अभी पेशेंट को कोई वो ऑक्सीजनेशन नहीं लगी है, कुछ है, तो उसमें दिस इज द टाइम वी विल एडवाइज फॉर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा कोई अमृत धारा नहीं है, कोई इसमें कोई गिदड़ संगी नहीं है कि ये बस देने के साथ ही कुछ हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रायल्स हो रहे हैं, कहीं अच्छे ट्रायल्स हैं, कुछ लिटरेचर में इनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका फायदा हो सकता है, हो सकता है। अभी इसके वो आनी है, ट्रायल हो रहे हैं, तो जो यंग पेशेंट हैं, सॉरी आज एक ना न्यूज वो ब्रेकिंग न्यूज आई है मेयो क्लिनिक से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने 20,000 पेशेंट्स को पे ट्रायल चल रहा था मेयो क्लिनिक का, और उन्होंने कोवेलेसेंट प्लाज्मा दिया। उन्होंने पहली सेफ्टी रिपोर्ट आउट की है कि इसका 1% जो है वो मोर्टेलिटी है और 0.6% मोर्टेलिटी है और 1% उसके हैजर्ड हुए हैं इन मेयो क्लिनिक और उसके एसोसिएटेड सेंटर्स में, और दे हैव एक उन्होंने एक अच्छी खबर बताई है कि काफी लोगों को फायदा हुआ है। अभी हमारे पास डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने एक नवीद सुनाई है कि इसका फायदा उन्होंने देखा है, क्योंकि पहले जामा की स्टडी में नेगेटिव हो गया था, दुनिया बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह हर सेंटर में पाकिस्तान, यूएस, सऊदी अरब, दुबई, ऑस्ट्रेलिया सारे कोवलेसेंट प्लाज्मा दे रहे हैं इंस्पाइट ऑफ जामा स्टडी। उसको अभी तक किसी ने बाय नहीं किया, लेकिन मेयो क्लिनिक की बड़ी अच्छी प्रोसीडिंग्स आई हैं, जिस जो हमारे लिए बड़ी वो खुशाइन बात है कि हमारे पास कोई चीज़ हमारे पास वो है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अभी तक अल्टीमेटली हमारे पास EBM बेस्ड जो है ना फाइनल रिजल्ट नहीं आया। आप जरा कंटिन्यूसली करें, कंटिन्यू करेंगे तो डॉक्टर अज़फर बिल्कुल आपने सही बताया। अच्छा, इस मायो क्लिनिक के मैंने किसी से बात भी की है जो हमारे हॉस्पिटल में जो मायो क्लिनिक में रहते हैं, तो ये इन्होंने ये बात बोली, बिल्कुल आप वाली बात बोली, लेकिन उन्होंने एक चीज ऐड की कि वही कि ज्यादातर को 70-80% ऑफ द पेशेंट जो वो थे जो यंग थे और वो क्रिटिकल स्टेज पे नहीं गए, तो उसमें रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल आपने सही बताया। तो एक बात तो ये है। अच्छा, इसमें ये बात मैं बताता चलूँ कि देखिए कॉन्वेंशनल प्लाज्मा जो जब देंगे जब वो पेशेंट ठीक है, अभी मैं मॉडरेट में ये नहीं कहूँगा कि पेशेंट को कुछ हो गया, सिर्फ उसका इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ने लगे हैं, तो ये दिस इज द टाइम कि कॉन्वेंशनल प्लाज्मा दिया जाए, उसको 200 ml दिया जाए, एक और डोज भी दी जा सकती है उसके एक दिन बाद। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट कॉन्वेंशनल प्लाज्मा वी हैव टू सी अगेन कि इसका LDH अब कितना है, इसका CRP कितना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसका बढ़ रहा है CRP के कॉन्वेंशनल प्लाज्मा में ऐड करेगी तो बहुत जल्दी ऐड करती है, बहुत देर नहीं लगाती है इसमें, और पेशेंट फील बेटर। उसके बाद सिर्फ उसमें ये होता है कि यहाँ पे बताते चलो हमारे दूसरे जो हेमाटोलॉजिस्ट को तो सबको पता है, लेकिन जो दूसरे आम जो डॉक्टर हैं उनको कि इसमें क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसमें लंग में पानी भर सकता है और लंग की इंजरी भी हो सकती है, लंग डैमेज भी हो सकता है, तो इसलिए बी केयरफुल। अगर पेशेंट को कोई कार्डियक डिजीज है बहुत ज़्यादा है, कोई पल्मोनरी एडिमा है, तो बी केयरफुल टू गिव द कॉन्वेंशनल प्लाज्मा। इसको आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, फौरन नहीं दें, तो इसलिए तो हर एक को देना जरूरी नहीं। तो आप ये बता जी फरमाइए। तरफ तरह आता हूँ, आपने कल बात की थी कि ये किस तरह देना है, उसका ड्यूरेशन वो दोबारा बता दें ताकि रिएट्रेट हो जाए कि कोवलेसेंट प्लाज्मा कितनी ड्यूरेशन में देना होता है, इन्फ्यूजन उसका रेट क्या है। डॉक्टर साहब जरा इस पे जरा थोड़ा सा बात कर लें आप। बेसिकली ये कल बताया था मैंने आपको कि कोवलेसेंट प्लाज्मा जो है आपने 100 ml देना होता है 1 आवर में मिनिमम, मतलब उस पीरियड में देना होता है, और इसका रेट ये होता है कि 20 ड्रॉप्स आपने पर मिनट देने होते हैं, और इससे ज़्यादा ना दें डोज। स्लो देना होता है आपको, काफ़ी स्लो ट्रांसफ्यूजन है इसकी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाद फिर आपकी तरफ आते हैं। अब मॉडरेट के अंदर कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे भी टाइम है अब, क्योंकि पेशेंट इज गोइंग फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर, या आप इसको कहें लेट मॉडरेट। एक चीज अब क्योंकि मॉडरेट भी दो चीज में अब डिवाइड हो गई है, इट इज अर्ली मॉडरेट और लेट मॉडरेट। यहाँ पे हम लेट मॉडरेट में हमने कॉन्वेंशनल प्लाज्मा दिया है, और उसके बाद और यहाँ इस स्टेज पर मैं स्टेरॉइड ऐड करूँगा, जो रिकवरी की बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट है कि ये डिक्रीज द इन्फ्लेमेटरी मार्कर, तो वो हर प्रोटोकॉल में ऐड हो चुकी है। डेक्सामेथाजोन 6 mg आइदर IV और ओरल जिस दिया जाए या और 10 दिन के लिए दिया जाए। लेकिन देखिए अगर किसी के पास डेक्सा नहीं है तो वो कोई भी प्रेडनिजोन, और अगर इन पेशेंट है तो मिथाइल प्रेडनिजोन, वो भी इक्वली गुड है। ऐसा नहीं है कि डेक्सा में हम फॉरन उसको शिफ्ट करके चलो अब डेक्सा ही पे शुरू कर दिया जाए, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर जगह डेक्सा फॉरन अवेलेबल नहीं होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम डेक्सा के साथ हो सकती है, हाई शुगर लेवल तो और इम्यूनिटी को कम कर सकता है, तो स्टेरॉइड। लेकिन रोल अब स्टेरॉइड इज कन्फर्म कि भाई ये है। और स्टेरॉइड क्यों दिया जा रहा है इस वक्त? क्योंकि इट इज अ प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द इन्फ्लेमेटरी मार्कर। हमें साइटोकाइन रिलीज से, साइटोकाइन स्टॉर्म से इसको बचाना है इस पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट अगर ये डबल ये CRP और LDH पे जाएगा तो पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द साइटोकाइन स्टॉर्म। तो वन ऑफ द रोल एंड वेरी एमिनेंट रोल अब इसका देखते हैं कि और क्या है। लेकिन रिकवरी जो ट्रायल है विच इज़ वेरी कंफर्म कि इसका बहुत अच्छा रोल है, तो हम भी ये सारे प्रोटोकॉल में ये शामिल है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा यहाँ सॉरी नजर थोड़ा सा मजीद बात कर लूँ, ये पहला ट्रायल है जिसने साबित किया है कि स्टीरॉयड का जो है ना वो बेनिफिशियल रोल है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम पहले इसको यूज नहीं कर रहे थे, हम इसको यूज कर रहे थे, लेकिन इस ट्रायल ने साबित किया है तो इट्स नॉट ए मिरेकल ड्रग। ये इसका मैंने NNT कैलकुलेट किया है, इसका NNT ये है कि आप अगर 8 मरीजों को देंगे तो एक को बेनिफिट होगा। तो इस ये भी कोई एक मैजिक नहीं है, इट्स ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो मैं हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि माइल्ड और जब आपके सिम्टम्स हों या एसिम्टोमेटिक हो तो काइंडली आप डेक्सा ना शुरू कर दें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी इम्यूनिटी मजीद कम कर सकता है। ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग में हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको डेक्सामेथासोन देगा, और अगर वो नहीं रेंज कर सकते तो हमारा स्टीरॉयड के कन्वर्जन का एक फार्मूला है, तमाम स्टीरॉयड बराबर होते हैं, उनके मुख्तलिफ डोज और मुख्तलिफ आपस में वो एक कन्वर्जन फार्मूला होता है। तो कोई परेशानी वाली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर डेक्सा आपको मिल नहीं रहा मार्केट में या हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा तो देयर आर अदर स्टीरॉयड्स लाइक प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसिलोन है, मेथाइलप्रेडनिसोलोन है, जो कि दिया जा सकते हैं। ओवर टू शाद, आप आगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अब हमने LDH और CRP जब इसको स्टेरॉइड दी गई है, कॉन्वेंशनल प्लाज्मा दी गई है और स्टिल इट इज राइजिंग, तो पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द सीवियर डिजीज। सीवियर डिजीज की और या शदीद अलामात की जो अलामात है, मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं या थोड़ा सा बताता चलूं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो वो रेस्पिरेटरी रेट इफ इट इज मोर देन 30 पर मिनट, अगर रेस्पिरेटरी रेट है मोर देन 30 पर मिनट और मोर देन 50% ऑफ द लंग इज इन्वॉल्व नाउ, ठीक है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन इज प्रोग्रेसिवली कमिंग डाउन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द वेरी गुड ऑक्सीजन लाइक 15 लीटर और 20 लीटर। नाउ दिस इज द टाइम वी हैव टू गिव द टोसिलिज़ुमैब एंड रेमडेसिविर। वो तो मैंने बता दिया था कि एंटीवायरल तो अब फेविपिराविर, नोरपिराविर, ल्यूटोपिराविर तो यूज हो रही है। यहाँ पर रेमडेसिविर एंड टोसिलिज़ुमैब फर्स्ट डोज वी हैव टू गिव इट बिफोर पेशेंट इज शिफ्टेड टू द ICU। टोसिलिज़ुमैब की डोज 400 mg है और उसको हम IV इन 30 मिनट्स देंगे और 12 आवर्स के बाद अगली डोज रिपीट कर सकते हैं। उससे पहले फिर CRP LDH करना पड़ेगा और अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव वी विल गिव द सेकंड डोज, अदरवाइज नो नीड फॉर सेकंड डोज। तो इवन आफ्टर टोसिलिज़ुमैब इवन द पेशेंट इज प्रोग्रेसिवली ill or requiring more oxygenation, the patient will be shifted to the ICU. यहाँ पे हम उसको रोक देंगे क्योंकि ICU की मैनेजमेंट ICU वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो उसमें ये ICU पे एक डॉक्टर फरहान शायद आपको एक प्रोग्राम और अरेंज करना पड़ेगा डॉक्टर काशिफ से। मैं डॉक्टर शाहिद की तरफ आता हूँ, आप बीइंग हेमाटोलॉजिस्ट कुछ और पूछना चाहती हैं क्योंकि ये क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शाद ट्रांसप्लांट फिजिशियन है, इनसे कोई चीज मिस हो गई या जो आप ऐड करना चाहें या इनसे कोई सवाल पूछना चाहें डॉक्टर शाद से। कौन से इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं सिवियर डिजीज के लिए, आप क्या बताएंगे? सिवियर डिजीज में कोई ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो हम करा सकते हैं? जी, असल में इंटरल्यूकिन 6 है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं है इंटरल्यूकिन 6 लेवल। और इवन के पाकिस्तान में पहले अवेलेबल था एक दो जो टर्शरी केयर सेंटर में थे, लेकिन इसमें वही मैं CRP इज वेरी इंपॉर्टेंट, LDH वेरी इंपॉर्टेंट और ये इसके अलावा एक और एंड डी डाइमर, अगर डी डाइमर ये बढ़ रहा है तो, लेकिन मेनली CRP LDH एंड फेरेटिन है। तो इसके अलावा जो कोई और इन्फ्लेमेटरी मार्कर वो नहीं है और कराना भी नहीं चाहिए क्योंकि इट इज इंक्रीज डबल इन 24 आवर्स, तो हम उसके बेस पर वो डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, इस पे डॉक्टर शाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सहर का और डॉक्टर मैं फरहान के पास जाने के से पहले एक और बात चलूँ कि अभी हमारे पास डॉक्टर नईम चौधरी की टॉक बाकी है। डॉक्टर नईम चौधरी एक इंटरनेशनल फिगर है हेमाटोलॉजी में और मोर देन 150 पब्लिकेशन एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स और एडिटर इन चीफ है जर्नल्स के। वो इसको पूरा रैप अप करेंगे, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कोविड एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ओवर टू यू फरहान। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाद अहमद, आपने बहुत हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और अपने व्यूअर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जैसे डॉक्टर मोहम्मद अजफर ने कहा है, परेशान होने की जगह आप हमारे चैनल से जो आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है उसको स्प्रेड करें। ये इंफॉर्मेशन आपको ये डॉक्टर्स जो हैं हमारे पैनल पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की मदद के लिए और उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि देयर इज़ सो मच एंग्जाइटी चल रही है आजकल पाकिस्तान में, लोग परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही। ये ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है सुनना इस टॉक को, बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, जो भी आपके हलके में लोग हैं, उनसे आप ये वीडियो शेयर करें और अपने डॉक्टर्स को भी इनकरेज करें कि वो ये सुने इसको और फॉलो करें। और जैसे डॉक्टर अज़फर ने कहा है, हमारी तीसरी टॉक जो है वो एक और मजीद एक्सपर्ट डॉक्टर उनके साथ वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है और हमने कुछ दिन में रिलीज करनी है। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स मिलकर अपनी आवाम की लिए जो है ना ये इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते रहें। Thank you so much for my panelists to take time to join me and give your valuable advice, or thank you for the viewers to watch that. Azfar, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay.